आम आदमी पार्टी ते सीनियर नेता ते दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वालों पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं लैके दित्ते गए बयान ने पंजाब समेत दिल्ली दी सियासत विच हलचल पैदा कर दित्ती है। सिसोदिया दे बयान ते वध रहे विवाद तो बाद दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दित्ती कि उह दिल्ली छड्ड के नहीं जा रहे, उह दिल्ली दे मुख्यमंत्री दे अहुदे ते बने रहणगे। उन्होंने कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वह दिल्ली के लोगों समर्पित ने। मोहाली नेड़े एक चोण रैली संबोधन करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के वोटर यह मान के वोट देन कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाना है। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक सभा में कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई भी हो, जितने वादे केजरीवाल जी कर रहे हैं वो सारे वादे पूरे कराने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। बताओ क्या गलत कहा? कल से जब से मनीष सिसोदिया ने ये कहा है तब से बादलों की, मजीठिए की, कैप्टन साहब की नींद हराम हो गई है। टीवी चैनलों पे आके कह रहे हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है पंजाब का, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है पंजाब का। मेरे को पता चला रात को सुखबीर बादल 3 बार नींद में से उठा, भूत की तरह मैं उसके सपनों में आ रहा था, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है पंजाब का, केजरीवाल मैं उनको कहना चाहता हूँ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली वालों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। लेकिन मैं बादलों को, मजीठिए को, कैप्टन को एक बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का पंजाब का जो भी मुख्यमंत्री बने, मैं तुम्हारे हलक के अंदर से जितना पैसा तुमने खाया है ना पंजाब का 10-15 साल में, तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के तुम्हारा वो सारा पैसा निकलवा के लेके आऊंगा।